एवरीवन, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है सारे जने। तो आज जो है मैं शिमला नहीं जा रही हूँ। आप भी सोचे होंगे कि शिमला का पति है, तो मैं आज शिमला की जगह हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि एक फैमिली फंक्शन है और तो वो हमें अटेंड करना है। तो एकदम से हमारा सडनली प्रोग्राम बन गया। और दिल्ली से हम मामा जी को भी लेके आए हुए थे, हम उनको भी छोड़ने जा रहे हैं और फंक्शन भी अटेंड कर लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो चलो आज मैं आपको दिल्ली की सैर कराती हूँ और रास्ते में देखते हैं क्या क्या व्यू आता है, कहाँ हम ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे और थोड़ा सा मैं फंक्शन भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं जो है ये छोटे छोटे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब। तो अब मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ और फिर विकास जी के पास चलते हैं, वो अभी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी से थोड़ी सी बातें करते हैं और थोड़ा सा अपना अच्छा टाइम पास करते हैं। हाँ जी विकास जी, बोलो बाप। देखिए गल ऐसी है, सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए बात अपनी फैमिली के साथ जितना अच्छा टाइम आप एक्सपेंड कर सकते हो इतना आप कहीं नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको वैसे बता रहा हूँ स्पेशल यूट्यूब के माध्यम से। देखो मेरी वाइफ ने जो एक यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसके बड़े दोस्त बन गए अच्छे अच्छे, आगे आगे पता लगता रहता है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि आज दिल्ली जा रहे हैं, ये हमारे मामा जी बैठे हैं यहाँ पे, ये 88-89 ईयर्स के हैं, तो दिल्ली आए थे। दिल्ली से हम अब इनको वापस दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं, तो अब रास्ते में रुकेंगे तो देखते हैं कहाँ तंदूरी परोठा मिलेगा बढ़िया। अभी तो फिलहाल अम्बाला पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर मन्नत है, मन्नत के पास हम बैठे हैं और खाएंगे एक अच्छा सा परौठा। बाकी अभी मैं सोचता हूँ और क्या बोलूँ अच्छा सा आप लोगों से जुड़ने के लिए, क्या किस टॉपिक पे बोलूँ, मुझे थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है हाईवे के अंदर। वैसे आप सब में से कुछ ने तो विकास जी की पिछले लॉकडाउन में वीडियोस देखी होंगी, इन्होंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी और बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आए थे उस वीडियोस पे। तो आज जो है वो अब हम आपको दिल्ली की सैर कराएंगे और हम आप लोगों को बताऊंगी, हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हम दोनों को ही बाहर के खाने का हम बहुत शौक रखते हैं कि जगह जगह पे रुक के अच्छा अच्छा डिफरेंट डिफरेंट खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम पहुंच गए हैं मुरथल और जो वहाँ का ये बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है मन्नत, और यहाँ पर अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और कनिष्का को बड़ी ज़ोर से भूख लग चुकी है इस टाइम, और कृष्णा भूख लगी है क्योंकि 11 बज गए, हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग, और अब हम यहाँ पर करेंगे ब्रेकफास्ट। कृष्णा अब इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन में क्या खाऊं। कृष्णा पाव भाजी भी मिलती है यहाँ पे, आप वो भी खा सकते हो, और परौंठा तो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मुरथल के परौंठे आप सबने भी सुना होगा और दिल्ली जाते हुए खाए भी होंगे। सेलेक्ट किया वेज उत्पम। चलो कृष्णा का वेज उत्पम और मेरा तंदूरी परौंठा, विकास जी का भी परौंठा, बाकी सबका परौंठा। कृष्णा जरा दिखाओ उत्पम की शक्ल, तो बड़ा यम्मी सा लग रहा है, टेस्टी। चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है। अब मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। और ये मन्नत के फेमस तंदूरी परौंठा आ गया है, इसके साथ ये दही और वाइट खट्टा। स्वीट डिश में मैं खा रही हूँ अपनी टूटी फूटी आइसक्रीम, और कनिष्का ऑब्वियसली चॉकलेट वाली खाएगी, ये देखो चॉकलेट आइसक्रीम, और मेरी है ये टूटी फूटी माय फेवरेट। और अब हम पहुँच गए नोएडा अपने बड़े भैया के घर, जिनके घर हम फंक्शन पे आए हैं, मतलब फंक्शन तो कहीं और होटल वगैरह में है, तो अभी हम जो है वो उनके घर पहुँचे हैं। और ये देखिए मैं आपको नोएडा की सोसाइटी दिखा रही हूँ, ये टॉप पे जाके जो है वो उनका घर है, ये ऊपर जाके तो अब हम मेन जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन है, और अब मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। ये है कौन सा पंजाब एसोसिएशन तो आ जाओ जी अंदर चलते हैं, पार्टी इंजॉय करते हैं।
अच्छा ये ब्लॉग बना रहे हो? ये मैं दिखाती हूँ, ये है मनन जिसके बर्थडे का, जिसके बेटे का बर्थडे है, सॉरी। और हाँ जी मनन, आपको मुबारक है, बहुत बहुत जन्मदिन। आपको भी पांडे जी बहुत बहुत मुबारक है। बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, ये देखो बच्चों का। आपने करवाई, आपने डेकोरेटर ढूंढा उसी वजह से हुआ ऐसा। अच्छा ये देखिए बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, मिकी माउस बच्चों का फेवरेट। देखिए यहाँ पे बाउंसी भी हमने लगा रखा है बच्चों को, ताकि एंजॉय हाँ, कर सके बच्चों के लिए। और ये स्टैंडी मिक्की भी है ताकि बच्चों को गले मिल सके। हाँ। और बर्थडे बॉय अभी दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे कहीं, वो अभी पहुँचा नहीं है, और अभी बाकी गेस्ट भी बचते हैं आने। विराज इधर देखियो, और ये है हमारा बर्थडे बॉय जिसका बर्थडे है। विराट देखियो इधर, वो अभी बिजी है टॉयज देख के, वो कंफ्यूज हो गया किस में बैठूं किस में नहीं। छोटे छोटे बच्चों का सारा, बच्चों को तो बस ऐसी चीजें चाहिए। हाँ ये है बर्थडे बॉय की मम्मा, तो कोई मतलब नहीं है कि इसे वेरी गुड स्टार्ट, कोई हाईफाई नहीं है बच्चा। आजा बैठो इधर, फिर से वन मोर टाइम, अब बाउंस भी जंपिंग विराट। अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ, मेन हॉल का बैठे विकास जी स्मार्ट बन के, ये बाकी सारे गेस्ट, ये हमारे भाभी जी हैं बड़े वाले, और ये यहाँ पर केक कटिंग हुई। ये देखो अब बता दीजिए नोएडा के पास, ये हमारे बड़े भैया, हाँ जी भैया रौनक में नहीं है। अच्छा जी, नहीं कोई बात नहीं, हम जुगाड़ कर लेंगे, कोई बात नहीं, पार्टी भी ऐसी भी हो जाती है, स्नैक्स खा के भी पार्टी कर लेनी चाहिए। और ये हमारे बड़े भैया, और ये दूसरे भैया, ठीक है हाँ बढ़िया। और इधर ये बर्थडे बॉय की तैयारियाँ केक कटिंग की, मतलब जो फ्लाईओवर वगैरह इतनी डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, और इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन खुली डुली रोड्स बन गई है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हाईवेज मतलब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी काम। और जो ये फ्लाईओवर है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, ये आपको पता है 50 किलोमीटर्स का है, ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है बिल्कुल। वापसी में हम रुकेंगे सुखदेव के ढाबे पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, वहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगी, वो भी एक स्पेशल चीज़ है वो देखने की, मतलब वहाँ 24 आवर्स आपको खाना मिलता है और इतनी रौनक रहती है वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलते हैं आगे। कनिष्का कैसा लगा दिल्ली का ट्रिप? बहुत अच्छा। कितने सालों बाद गई ना दिल्ली? जब गोवा गए थे ना लास्ट तब। अच्छा अब कितना चेंज हो गया है ना, कितने अच्छे अच्छे रास्ते बन गए। हाँ बहुत ही सुंदर, मतलब यहाँ से क्रॉस करते हुए मज़ा आ रहा है बहुत। चलते हैं
आगे जरा विकास जी से बातें करते हैं थोड़ी सी। हाँ जी विकास जी, थोड़ा कुछ बातें करो हमारे साथ। बातें तो ऐसी है कि आप YouTube बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन YouTube में आप थोड़ा सा बताएं कि देखो कितना अच्छा है। हाईवे तो खैर आपने बताई थी अपने, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुदरत वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसके साथ अगर हम जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, 6 लाइन मतलब कि मैं देखे हैरान, 6 लाइन्स हैं और नीट एंड क्लीन है। और दूसरी बात ये कि लोग जो है मतलब खेती, यहाँ पे इतनी लोगों ने खेती करी हुई है, इतनी खेती करी हुई है कि मतलब ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि आदमी का घर ऐसा होना चाहिए और खेत जो है ना उस पर खूब सारे होने चाहिए और हम सब्जी उसमें बोए, क्योंकि ज़मीन जो है, धरती जो है वो हमारी माँ है, उसे धरती की कदर करनी बड़ी जरूरी है। माँ की तो कदर करनी करनी है, लेकिन धरती माँ की कदर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी यूट्यूब की चैनल से बता रहा हूँ सबको। बाकी मिलते हैं आगे, सुखदेव में भूख लग रही है, 11:30-12 बजे है, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी हुई है। खैर जज तो बनी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ये तो 11:45 बजे तक, नहीं 11:45 तो नहीं, खैर हम 25-30 मिनट में सुखदेव में पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ खाना खाते हैं, फिर करते हैं बात आगे की। हेलो, बाकी रोड तो बहुत अच्छा है वाकई में, लेकिन मैं अपने मेरे जितने मेरे भाई लोग गाड़ी चलाते हैं तो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भी हाईवे में बिल्कुल आराम से चला करें, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा और इसको जीना चाहिए, और बिल्कुल स्लो चलें आप, इजी जो कि मतलब सरकार ने लिमिटेड सी जो स्पीड बनाई है उस पर चलें, ताकि हम मतलब किसी भी हमें ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी चीज़ का ऐसे हमें सामना ना करना पड़े। बस यही इनके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। बाकी आप थोड़ा सजेस्ट कर दिया करें कि भी और क्या बोलें, क्या बताएं ज़िंदगी में, आपको हमारी आवाज़ कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बताएं प्लीज़। गुड बाय, टेक केयर। हम खुद ही बड़े स्मार्ट हैं। और यहाँ की रौनक दिखाती हूँ मैं आपको, अभी दिन की 11 बजे हैं तब भी यहाँ पे इतनी रौनक है। और अब हमें बड़ी जोर से भूख लग चुकी है और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ऑब्वियसली यहाँ के भी परौंठे फेमस हैं बहुत ज़्यादा। और एक भी टेबल हम लोगों को नहीं मिल रही है यहाँ पे खाना खाने के लिए, देखिए पूरा फुल है सारी टेबल, थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी। और विकास जी अपना ऑर्डर देते हुए इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं छोले भटूरे खाऊं, पूरी खाऊं या पराठा खाऊं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है। और अब देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं। हमने तो अपना तंदूरी परांठा ऑर्डर किया है कृष्णा, मैंने पनीर और प्याज का, और विकास जी अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करने जा रहे हैं, अभी डिस्कशन चल रही है कि पिट्ठी वाली पूरी मिलेगी, क्या ऑर्डर, चना भटूरा। एंड लास्ट में फाइनली उनका ऑर्डर हो गया है चने भटूरे का, क्योंकि इनको बहुत पसंद है चने भटूरे और आलू पूरी। पर अब जो है वो खानी थोड़ी अवॉइड करते हैं, मतलब ये कि 10-12 दिन बाद एक बार ही खा लेते हैं, आप वैसे नहीं खाते हैं कि भी मतलब हर दूसरे दिन नहीं खाते हैं, काफ़ी कंट्रोल कर लिया विकास जी ने अपने ऊपर। कृष्णा को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, बहुत ज़ोर से, बस कृष्णा 5 मिनट्स में आ जाएगा ऑर्डर।
और ये मेरा आ गया है पनीर प्याज का परांठा, कृष्णा का भी परांठा, और ये परांठा स्पेशली आर्यन का फेवरेट परांठा है। आर्यन मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, चल आर्यन भी कभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको भी यहाँ का ब्रेकफास्ट कराएंगे। अब हमसे वेट नहीं हो रही और हम कर रहे हैं स्टार्ट, आ जाओ जिस जिसको खाना है। और अब हम लोग अम्बाला पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी पहले अम्बाला से, और अब हम इधर रुक गए हैं जूस पीने के लिए इधर, और कनिष्का को उसका फेवरेट जूस जो है, बहुत साउंड है यहाँ पे, और वो ऑरेंज जूस पीने जा रही है। कनिष्का ऑरेंज जूस पीना है कि बंटे बंटे वाला जूस, बड़े पापा जो है वो इसको बंटे वाला जूस पिलाने जा रहे हैं। लेमन सोडा तो हमने ये बनाया है, पवन जी हैं, देखो ये अभी कालका हाईवे पे है तो आते जाते मैं इनके पास टीशर्ट रखता हूँ, बहुत अच्छा बनाते हैं ये। और आपकी टी शर्ट जो है वो आपके अम्ब्रेले से मैच कर रही है, लेकिन कोविड के बाद काम चला है धीरे धीरे। हाँ बनते आप लोग खुश रहो। अब मैंने आपको वीडियोस में पहले ही बताया था कि हम लोग रास्ते में जो है वो खाते पीते आते हैं, खूब इंजॉय करते आते हैं, तो अब हम यहाँ पे जूस का मज़े लेंगे। और अब मैं देख लूँ कि कौन सा जूस पीना है, देखती हूँ मैं, देख के आती हूँ और कौन सा मैडम को एक मेरे से खुली नहीं रही।